आज का वीडियो में बात करेंगे YouTube चैनल मोनेटाइजेशन अप्लाई कर चुका हूँ लेकिन अभी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है स्टेप टू, ठीक है। स्टेप टू के बारे में भी बात करेंगे, स्टेप थ्री के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो YouTube चैनल मोनेटाइजेशन करते हो ना, वहाँ पे तीनों ऑप्शन आता है। वहाँ पे तीनों में फर्स्ट जो एक्सेप्ट कर लेते हो, टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेते हो, स्टेप टू में एडसन अकाउंट ऐड करते हो, एडसन अकाउंट बनाते हो स्टेप टू में, और स्टेप थ्री में क्या होता है, स्टेप थ्री में हमारा यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में जाता है। यूट्यूब टीम चेक करते हैं 6 महीने का डाटा, आपका जो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, आप ठीक ठाक कंटेंट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, आप किसी का कंटेंट डाल रहे हो कि नहीं। तो किसी दूसरे का कंटेंट अगर आपने चैनल पर डाले हो तो वहाँ पे रियूज कंटेंट भी वहाँ पे बता देते हैं। अभी फिलहाल बात करते हैं इन प्रोग्रेस एडसन अकाउंट, अभी स्टेप टू मेरा इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। इन प्रोग्रेस क्यों दिखा रहा है, अभी ये कितना दिन में कंप्लीट होगा, ये बहुत सारा डाउट है आप सबके मन में, तो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए एडसन का स्टेप टू का एडसन अकाउंट जो बनाते हो वहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखता है। मान लो आज आपने बनाया, इन प्रोग्रेस लिख रहा है, अभी 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, मेरा एडसन अकाउंट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको धीरज रखना है और आप अपने ऑनलाइन पे काम करते रहना है, यूट्यूब पे काम करते रहना है, वीडियो बनाते रहना है, उसको छोड़ देना है, उनके हालत में छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारा बस की बात नहीं है। ये एडसन टीम देखेंगे कि आपका अकाउंट जो आपने फुलफिल, आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो सही है कि नहीं, वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वहाँ पर डन हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर टाइमिंग बताते हैं ना, 2 से 3 वीक आपको वेट करना पड़ेगा। कमेंट कर लेते हो कि मेरा 1 दिन हो गया कंप्लीट नहीं हुआ, 2 दिन हो गया कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे होगा? आप अभी आपको वेट करना पड़ेगा ना, 2 से 3 वीक आपको वेट करना पड़ेगा। एडसन अप्लाई अगर करते हो, स्टेप टू इन प्रोग्रेस दिखाता है, आपको 2 से 3 वीक वेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो डन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टेप थ्री आ जाएगा। स्टेप थ्री में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप थ्री में आपको कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, आपका यूट्यूब चैनल ऑटोमेटिक अंडर रिव्यू में चला जाएगा। स्टेप टू जैसे ही डन होता है ना, स्टेप टू में थोड़ा काम करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, हमारा डिटेल देना पड़ेगा, और स्टेप थ्री में हमारा यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में जाएगा, इन प्रोग्रेस दिखाएगा वहाँ पे। तो इन प्रोग्रेस दिखाएगा, एडसन अगर 15 दिन टाइम ले रहा है डाउन होने के लिए, तो वहाँ पे स्टेप थ्री आपका 2-3 दिन में आपका डाउन हो जाएगा। अभी बताओ कि मैंने 2-3 दिन बताया, अगर किसी का 2-3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो, 2-3 दिन अंदर के नहीं हुआ तो वो कमेंट करना शुरू कर देगा कि मेरा भी 2-3 दिन हो गया है, अभी नहीं हुआ है। अभी वहाँ से भी आपको लिखा रहता है 2 से 3 वीक आपको वेट करना है। किसी भी यूट्यूबर के पास जाओ, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा वो प्रॉब्लम को, वो सिर्फ एक ही बात बताएगा कि आपको वेट करना पड़ेगा। आप वेट नहीं करोगे तो वहाँ पे टाइमिंग मेंशन है ना, 2 से 3 वीक आपको लिखा होगा वहाँ पे, मेंशन होगा कि आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट करोगे तो लगभग वो 2-3 दिन के अंदर हो जाता है। और एक चीज़ बात बताता हूँ कि सबका YouTube चैनल, जितना भी सारा YouTube चैनल देख रहे हो तो उनका जो चैनल मोनेटाइजेशन हो रहा है तो उनका टाइमिंग जो है ना वो सेम नहीं रहता है, सबका अलग अलग होता है। मान लो स्टेप टू आपका 5 दिन लगा तो मेरा स्टेप टू 3 दिन लगा था, ठीक है, और स्टेप थ्री आपका 2 दिन लग रहा है, मेरा लगा था 6 घंटे के अंदर स्टेप थ्री कंप्लीट हो गया। कोई चैनल के बारे में कंपेयर नहीं कर सकता किस चैनल में कितना जल्दी होगा। तो यहाँ पे टाइमिंग अलग अलग लेता है और डिपेंड करता है यूट्यूब टीम के ऊपर, डिपेंड करता है हमारा यूट्यूब चैनल कितना जल्दी अंडर रिव्यू में ख़त्म करके देंगे, और एडसन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, एडसन टीम के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना जल्दी हमें चेक करके देंगे। लेकिन वहाँ पे मेंशन रहता है 2 से 3 वीक के अंदर ही आपका काम ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर ही काम ख़त्म होगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा धीरज रखिए, आपका 100% यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करिए। मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।